यहाँ पर एक सॉल्यूशन है इशू ऑफ शेयर से संबंधित। यह प्रश्न एक सब्सक्राइबर का ही है और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सअप करके हमसे पूछा हुआ है। तो इशू ऑफ शेयर में प्रोराटा सिस्टम के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट किया जाता है, उसी से रिलेटेड ही यह प्रश्न है। जैसे कि हमने प्रश्न को शुरू में रख दिया था, प्रश्न को पढ़ा भी है और पढ़ने के बाद हम उसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में ये आर ए सिस्टम बोलते हैं, यानी कि रिक्वायरमेंट और एप्लीकेशन। इस क्वेश्चन में 1 लाख शेयर की ज़रूरत है कंपनी को, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन 1,50,000 शेयर की आती है। कंपनी ने 1,50,000 शेयर में से 25,000 शेयर के पैसों को रिजेक्ट कर दिया और 1,25,000 शेयर्स को उन्होंने प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब है अपनी इस रिक्वायरमेंट को पूरी किया जाए, यानी 1,00,000 शेयर के पैसे कैपिटल में ट्रांसफ़र किए जाएं और 25,000 शेयर का जो पैसा है उसको अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, यही प्रोराटा है। इसकी जो कॉल रेट्स लगाई जाएंगी, 1,50,000 शेयर में से कंपनी को 1,00,000 शेयर की ज़रूरत है, जिसमें एप्लीकेशन पे 5 रुपये, अलॉटमेंट पे 2.5 प्लस 1 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम है, यानी 3.5 रुपये का यहाँ पर ये वाली कॉल है। 2.5 रुपये की कॉल होगी इसमें, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। प्रसाद नाम का एक शेयर होल्डर है, उसको 200 शेयर दिया गया है, लेकिन उन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया है ये नहीं मालूम। इसकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर देखेंगे जिनको 1,00,000 शेयर मिले हुए हैं, उनका पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है, तो उन्होंने 1,25,000 शेयर मांगे थे, तब उनको जा कर के 1,00,000 शेयर अलॉट हुआ यानी मिला है। अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 200 शेयर अगर प्रसाद को मिले हुए हैं तो इन्होंने मांगा ज़्यादा ही होगा, यानी इनकी एप्लीकेशन यानी अप्लाई इन्होंने ज़्यादा के लिए ही किया होगा। इसके लिए हम 200 शेयर की 1,25,000 में मल्टीप्लाई करेंगे और 1,00,000 शेयर से डिवाइड करेंगे, हमें पता चल जाएगा इन्होंने 250 शेयर के लिए एप्लीकेशन लगाई थी और इनको 200 शेयर मिला है। इसका मतलब जब हम इनका प्रोग्राम चार्ट बनाएंगे, इनकी पूरी हिस्ट्री, तो उसके अकॉर्डिंग 250 शेयर इन्होंने मांगे थे लेकिन इनको 200 शेयर ही मिला है। 250 शेयर का 5 रुपये के रेट से इन्होंने कंपनी को 1,250 रुपये दिए थे। अगर कंपनी को 1,250 रुपये दिए हैं तो कंपनी ने 200 शेयर इनको दिया था, तो कंपनी ने 200 शेयर के 5 रुपये के रेट से 1,000 रुपये इनके रख लिए और 250 रुपये इनके जो फालतू बचे हैं उन्होंने कहा हम इस कॉल को आगे, यानी इस रकम को अगली कॉल पे शिफ्ट कर देंगे। अर्थात यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1,25,000 शेयर होल्डरों को 1,00,000 जब शेयर दिया तो उनके 25,000 शेयरों के जो पैसे हैं अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र हो गए, ऐसे ही ये वाला पैसा अलॉटमेंट पे जाएगा। तो यहाँ वाली जो कॉल है वो 2.5 यानी 2.5 रुपये प्लस 1 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम 3.5 रुपये के हिसाब से अब आगे की कॉल होगी। एप्लीकेशन पर ही 2.5 से मल्टीप्लाई होगा लेकिन आगे की सारी कॉल 200 शेयर से होगी, क्योंकि मिस्टर प्रसाद को 200 शेयर ही कंपनी ने दिया है। तो 200 शेयर के हिसाब से 3.5 रुपये की कॉल का पैसा 700 रुपये मांगा जाएगा, लेकिन इनके 250 रुपये जो पहले वाले हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे, तो अब इनको 450 रुपये ही देना था। इन्होंने 450 रुपये रोक लिए, अब इनका यही मानना होगा भाई हमने 250 शेयर मांगे, हमें 200 क्यों दिए, अब मैं पैसे नहीं दूंगा, ले लो क्या करो। लेकिन इनका गलत सोचना है, क्योंकि इनके 1,250 रुपये जा चुके हैं, कंपनी इसे जब्त कर लेगी। अब 200 शेयर के 450 रुपये के मतलब 450 रुपये इन्होंने रोक लिए। जब अलॉटमेंट वाली कॉल रुक गई तो फर्स्ट कॉल वाली क्यों नहीं रुकेगी, ये भी रुक जाएगी, क्योंकि पहले तो इसी का नंबर आता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 500 रुपये की 200 × 2.5 500 रुपये की कॉल यहाँ भी रुक गई। इनके 200 शेयर को कंपनी ने जब्त कर लिया और बाद में 10.5 रुपये के रेट से किसी दूसरे व्यक्ति को उन्होंने बेच दिया। जब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो इसकी जर्नल एंट्री की जो शुरुआत होगी कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ आप देखेंगे इसकी जर्नल एंट्री, हमने सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट किया, यानी बैंक अकाउंट डेबिट हुआ
7.5 लाख रुपए से। यानी अगर हम इसकी कॉलिंग रेट चेक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से 1.5 लाख यानी कि 150,000 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, और जब 5 से होगी 7.5 लाख रुपए हमारे बैंक में आएंगे। 7.5 लाख रुपए जब बैंक में आएंगे तो इस प्रकार से हम इसका लेखा जोखा करेंगे। यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 7.5 लाख रुपए। इसके बाद 7.5 लाख रुपए के टुकड़े कितने हुए, यहाँ पर मैंने कुछ टुकड़ों को रोक रखा है, इसको आपको देखना होगा कितने टुकड़े हुए। पहला टुकड़ा 25,000 × 5 1,25,000 रुपये रिजेक्ट हो गए यानी वापस चले गए। 1,00,000 × 5 5 लाख रुपए शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होंगे। 25,000 × 5 सब की मल्टीप्लाई इसी 5 से होगी। 25,000 × 5 1,25,000 शेयर अलॉटमेंट के नाम ट्रांसफ़र होगा। 1,00,000 × 5 शेयर कैपिटल में जाएगा। 25,000 × 5 1,25,000 रुपये वापस रिजेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो शेयर एप्लीकेशन के 7.5 लाख रुपए आए हैं इनके यहाँ पर 3 टुकड़े हो जाएंगे। पहला टुकड़ा यहाँ पर आप देखेंगे 1,00,000 × 5 5 लाख रुपए शेयर कैपिटल में, 25,000 × 5 1,25,000 शेयर अलॉटमेंट में, 25,000 × 5 1,25,000 बैंक से वापस चले जाएंगे। 3 टुकड़े इसके हो गए। अगली कॉल हमारी होगी यहाँ से 1,00,000 × 2.5 1,00,000 × 1 तो 2.5 लाख और 1 लाख, यानी कि 2.5 लाख 1 लाख मिलके यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट का 3.5 लाख रुपये ड्यू होगा। इसका मतलब ये कॉल मांगी जाएगी। लेकिन जब हम इसके बैंक में जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करेंगे, तो यहाँ 3.5 लाख रुपये में से 1,25,000 रुपये तो ये कट जाएगा। इसका मतलब है कि 3.5 लाख रुपये में से 1,25,000 ये घट गया तो बचा 2,25,000 रुपये। इसमें से हम इसका पैसा काटेंगे प्रसाद का। प्रसाद ने यहाँ पर अलॉटमेंट में देखेंगे यहाँ कटिंग लगा है 450 रुपये पे, तो यहाँ पर माइनस करेंगे 450 रुपये और, तो हमें 2,24,550 रुपये प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर जो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट की 2,24,550 रुपये की होगी। इसके बाद हम लास्ट वाली कॉल करेंगे 1,00,000 × 2.5 2.5 लाख रुपए से कॉल होगी, लेकिन यहाँ पर 500 रुपए का एरियर होगा तो बैंक में पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2.5 लाख से होगा, लेकिन हमें जो पैसा मिलेगा 2,49,500 रुपए मिलेंगे, 500 रुपए नहीं मिलेंगे। अब हम फॉरफिटेड की एंट्री पास करेंगे मिस्टर प्रसाद की। प्रसाद की जो फॉरफिटेड की एंट्री होगी वो होगी 200 शेयर की, 250 शेयर की नहीं होगी क्योंकि इनको 250 शेयर मिला ही नहीं है। तो 200 × 10 रुपये तो हम इनके करेंगे मल्टीप्लाई में एक बार शेयर कैपिटल डेबिट। 200 × 10 और 200 × 1 तो यहाँ पर 200 × 10 करेंगे शेयर कैपिटल डेबिट होगा 2,000 से, और 200 × 1 200 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम का। जो पैसा उन्होंने दिया है वो फॉरफिट हो जाएगा। उन्होंने एक ही बार 1,250 रुपये दिए थे, उसके बाद 450 रुपये का एरियर किया है अलॉटमेंट पे, 500 रुपये का एरियर किया है फर्स्ट कॉल पे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड में 1,250 रुपये लिखेंगे और अलॉटमेंट पे 450, फर्स्ट कॉल पे 500 रुपये। इनके जो शेयर हैं वो 10.5 रुपये के रेट से दोबारा बेचे गए हैं, तो 10.5 की मल्टीप्लाईकेशन हम 200 में करेंगे, तो इनके द्वारा भुगतान किया गया पैसा अब तो ख़त्म हो गया। अब किसी दूसरे व्यक्ति को इन्होंने, कंपनी वालों ने दोबारा बेच दिया। अब उनके जिनको बेचा है उनसे 2,100 रुपये मिले, जबकि 200 शेयर का पैसा 10 रुपये के रेट से 2,000 होता है। तो शेयर कैपिटल में 2,000 डालेंगे 10 रुपये वाले, लेकिन 100 रुपये जो फालतू आए हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि इस व्यक्ति से पैसा इन्होंने ज़्यादा ले लिया फेस वैल्यू से, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम पे ले लिया। कम करते तो वो पैसा फॉरफिट से पूरा करना पड़ता है, यहाँ पर जो हमने 1,250 रुपये रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पैसा इन्होंने ज़्यादा लिया तो ये पैसा पूरा बच गया। जब ये बच गया तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कंपनी एक एडिशनल अकाउंट ओपन करती है कैपिटल रिजर्व के नाम से। पूंजी से संबंधित सभी फायदे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो यहाँ का कैपिटल रिजर्व अकाउंट में 1,250 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो क्वेश्चन की जो शुरुआत है वो कुछ इस प्रकार से हुई है, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है वर्किंग का। एक एक करके हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप वर्किंग को दिखाया है, और इसके बाद
यहाँ वर्किंग हुई है, इसके बाद फिर जर्नल एंट्री की मुहूर्त यहाँ पर आप देखेंगे तो हुआ है। यहाँ से जर्नल एंट्री दिखाया गया है एक एक करके, और यहाँ पर जर्नल एंट्री का समापन हो गया है। यहाँ पर जिस प्रकार से क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के पास जो एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है 22,000 शेयर का, उसी से ही एंट्री पास की जाएगी। तो 22,000 शेयर में 20 रुपये का एप्लीकेशन है, 20 रुपये के अलॉटमेंट है, 10 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम लगा है, 30 रुपये और 30 रुपये की फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट दिया गया है। इसमें जो 22,000 है, 22,000 को चार प्रकार के लोगों के पास ये शेयर है, 18,000 शेयर, 2,500, 1,500 शेयर। क्वेश्चन में कहा गया है कि 18,000 शेयर पर सारे पैसे मिल गए, एप्लीकेशन के 20 रुपये, अलॉटमेंट के 20 प्लस 10 सिक्योरिटी प्रीमियम के ये भी मिल गए, फर्स्ट कॉल का भी मिल गया 30 रुपया, फाइनल कॉल का भी 30 रुपया। ये जो हमारे पास रेट है इसको हमने ऐसे प्रेजेंट कर दिया, और ये जो 22,000 शेयर है इसको हमने टुकड़े कर दिए जैसे कि बुक में लिखा गया है। तो अब उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये पता लगाने की कोशिश की है कि किस शेयर पर कितना रुपया किस कॉल पर रुक गया है। तो यहाँ पर 18,000 पर कोई शेयर का पैसा नहीं रुका, लेकिन 2,500 पे उन्होंने कहा है कि 80 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब है 20 और 30, 20 50 और 30 80। यहाँ पर हमने तीनों जगह राइट लगा दिया, यहाँ पर रोंग लगा दिया। अब रोंग लगा है तो यहाँ पर रेट क्या चल रहा है 30 रुपये का, तो 2,500 शेयर का 30 रुपये के रेट से 75,000 रुपये का एरियर होगा। यहाँ पर 1,000 शेयर पर बोला गया है कि मात्र 50 रुपये मिले हैं, यानी 20 यहाँ के, 30 यहाँ के, 50 मिले हैं, तो ये और ये पैसे कट गए। अगर ये दोनों कटे हैं तो इनका रेट 30 रुपये का है, तो 1,000 के 30 से मल्टीप्लाई 30,000 रुपया, और 1,000 के 30 से मल्टीप्लाई 30,000 रुपया यहाँ दोनों का, दोनों कॉल के पैसे रुकेंगे। 500 शेयर पे उन्होंने बोला है मात्र 20 रुपये मिले हैं, तो 20 रुपये तो यही मिला है, इसका मतलब ये तीनों सफा है। अगर तीनों सफा है यानी नहीं मिला है, तो 500 × 30 रुपये का यहाँ रेट है, तो 15,000 ये रुक गए, 30 रुपये के रेट से 15,000 यहाँ के भी रुक गए, और 30 रुपये के रेट से 500 शेयर का 15,000 यहाँ भी रुक गए। तो हमने 500 की मल्टीप्लाई यहाँ 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 से करके इनका पैसा निकाल लिया, और ये जो कट लगाया है, कट का मतलब है पेमेंट नहीं मिला। अब यहाँ पर टोटल 22,000 शेयर ऐसे दिखाए गए, एप्लीकेशन पे सभी का पैसा मिला है, लेकिन अलॉटमेंट पर 15,000 का एरियर है, जबकि फर्स्ट कॉल पे 45,000 का और फाइनल कॉल पे 1,20,000 का एरियर है। कंपनी ने आगे ये कहा कि जिन लोगों ने 80 रुपये से कम पैसे दिए हैं उनके शेयर जब्त हो गए। तो 80 रुपये से कम, तो यहाँ पर 80 रुपया पूरा होता है,
20, 30, 50, 30, 80। अब 80 से कम कौन दिया है? तो 80 से कम ये दोनों दिए हैं, इन दोनों ने, यानी 1000 शेयर जिसके पास है उसका और 500 शेयर जिसका है इसके पास, इसने 20 रुपये दिए हैं, इसने मात्र 50 रुपये दिए हैं, 80 से कम यही दोनों हैं। तो इसको हमने मान लिया ए है और इसको मान लिया बी है। इन दोनों के शेयर जब्त किए जाएंगे। तो हमने ए और बी के नाम से इनको 1000 शेयर तो मान लिया हमने इसका और 500 शेयर मान लिया इसका। अब 1000 शेयर के इसने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पेमेंट किया है। तो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे प्रीमियम लगा हुआ है अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम, लेकिन इन्होंने ये पैसा पेड किया है। तो अगर पेड कर देते हैं तो हम प्रीमियम नहीं दिखाते। तो इसका मतलब है ये दोनों कॉल पेड है और ये दोनों कॉल अनपेड है। लेकिन 500 वाले के साथ में ये अलॉटमेंट वाली कॉल जो है जिस पर प्रीमियम है ये रुक गया है, रुक गया है, तो हमने इसका प्रीमियम शो किया यानी दिखाया है। प्रीमियम रुक जाता है तो दिखाना पड़ता है। 500 शेयर की सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा यही 20 रुपये इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन आगे की कॉल का पेमेंट नहीं है, तो आगे हमने 3 रुपये कट मार दिया है। अब कंपनी ने कहा 1000 शेयर बेचे गए हैं, लेकिन इस सवाल में एक मिस्टेक ये हो गया कि 1000 शेयर जो बेचे गए हैं वो 1000 शेयर इसके सारे बेचे गए या इसके बेचे गए हैं। अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इसके पूरे ले लिए, 500 इसके शेयर ले लिए। ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि जो बाद वाला होता है उसके सारे शेयर होते हैं और जो पुराना वाला होता पीछे वाला उसके आधे होते हैं। तो कंपनी के 500 शेयर इसके लेंगे या 500 शेयर इसके लेंगे। अगर इसका 500 शेयर लेंगे तो इसके 20 रुपये के रेट से फोरफिट का जो पैसा होगा वो होगा 10,000 रुपये। इसके हम 500 शेयर का 40 रुपये के रेट से लेंगे तो इसका फोरफिट का पैसा होगा 20,000 रुपया। इन दोनों के फोरफिट का पैसा होगा 30,000 रुपया। इसमें से हम आगे चल के यूज करेंगे, जितना यूज करेंगे वो निकाल के बाकी पैसा कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। तो सबसे पहली एंट्री हमारी यहाँ से होगी 22,000 × 20 440,000 शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल तब पहुंचाएंगे यहाँ पर। बैंक अकाउंट से पहले पैसा लेंगे और फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर कोई भी कमी बढ़ोतरी नहीं है, सीधा 22,000 × 20 कर देंगे। दूसरी वाली एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम है 22,000 × 20 22,000 × 10। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 440, 220, टोटल 660 से हम ड्यू कर देंगे। और जब हम इसके बैंक में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे अलॉटमेंट पर 15,000 रुपये कटे हुए हैं, तो हम 660 न लेकर के 645,000 रुपया ही बैंक की एंट्री में दिखाएंगे। अगली कॉल हमारी होगी 22,000 × 30 660,000 से फर्स्ट कॉल की, लेकिन यहाँ के बैंक में 45,000 रुपये कट जाएंगे तो हमें 615,000 रुपये ही प्राप्त होंगे। लास्ट वाली एंट्री 22,000 × 30 करेंगे, 660,000 से हम यहाँ ड्यू करेंगे, लेकिन हमारे बैंक में जो पैसा आएगा 120,000 रुपये ये वाले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब फाइनल कॉल वाले कट जाएंगे, तो हमें 540,000 रुपये ही प्राप्त होंगे। फिर हम इनका फोरफिट करेंगे। अब हम इसका 1000 शेयर जब फोरफिट करेंगे तो 1,000 × 100 शेयर कैपिटल हमारा डेबिट होगा 1,00,000 रुपये। इसके बाद 1,000 × 40 जो हमारे पेड हैं फोरफिट में चले जाएंगे 40,000। 1,000 × 30 फर्स्ट कॉल पे, 1,000 × 30 फाइनल कॉल पे, इस प्रकार से ये फोरफिट हो जाएगा 1,000 शेयर। ऐसे ही 500 शेयर का होगा, 500 × पहले तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50,000 शेयर कैपिटल में डेबिट करेंगे। 500 × 10 शेयर कैपिटल के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम में भी हम डेबिट करेंगे 5,000 रुपये। जो हम फोरफिट करेंगे जो राइट लगा है यही फोरफिट होगा, 500 × 20 10,000 रुपये शेयर फोरफिटेड में जाएंगे। उसके बाद अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे 500 × 30 15,000 रुपये तीनों में जाएंगे इस प्रकार से। अब हम ये जो 1,000 शेयर है इसको 10 रुपये के रेट से बेचने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 1,000 शेयर 90 रुपये के रेट से बेचने के लिए कहा गया है। जब 1,000 शेयर 90 रुपये के रेट से बेचेंगे तो हमारे पास बैंक में 90,000 रुपये प्राप्त होंगे, लेकिन हमें तो चाहिए 1,00,000 रुपया 1,000 × 100, तो हमें 10,000 की कमी का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर 10,000 रुपये हम शेयर फोरफिट से लेंगे, यानी कहाँ से लेंगे, यही 1,000 शेयर के जो फोरफिटेड का अमाउंट 30,000 है, इसमें से 10,000 रुपये निकाल के हम यूज करेंगे और यहाँ पर 1,00,000 रुपये पूरा कर देंगे। अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर कितने रुपये बचेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 20,000 रुपया, यानी 20,000। इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो जाएगा।
जिसकी शुरुआत इस वर्किंग से हुई थी। और यहाँ पर आप देखेंगे क्रमशः इस प्रकार से इसकी वर्किंग दिखाई गई है और इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुँचाया गया। और इसकी जो जर्नल एंट्री है उसकी शुरुआत यहाँ से हुई है और एक एक करके हमने इसके तमाम बिंदुओं पर बहुत अच्छी तरह से आपको बताने की कोशिश की है। और इसमें किसी प्रकार की त्रुटि अगर होती है तो आप अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे पूर्णतः इसको बहुत ही सावधानी से किया गया है। अगर आपको किसी प्रकार का इसमें संशय या संदेह या डाउट है तो आप अपने कमेंट में अवश्य बताएं। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेज को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। फिर बुलाते हैं अगली एक नई वीडियो जो आपके लिए होगी खास और महत्वपूर्ण। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।